श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः रिलीजन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी इन तीन विषयों पर इस समय काफी जगह में चिंतन हुआ हर जगह जाओ यही बात रिलीजन KG 1 KG 2 बार्ड मिडिल स्कूल हाई स्कूल स्पिरिचुअलिटी द अल्टीमेट रिलीजन में हम लोग केवल द्वैत में रह करके सुख के प्राप्ति का निष्फल प्रयत्न करते और भगवान के पीछे दौड़ करके अपना आत्मविश्वास खो बैठते। अब तीसरी स्थिति है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं या अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म में जगत के साथ व्यवहार हो रहा है लेकिन निर्माण हो रहा है अपना। रिलीजन में हम लोग उसी में फंसे रहते हैं। पाप है पुण्य है माया हाथ लगाया पाप है देना हाथ लगाया पुण्य है उसके पश्चात फिर एकादशी को खाना खाया तो क्या है कोई नहीं डायरेक्टली है उसी में फंसे रहते और उपासना का तात्पर्य अपने आत्मविश्वास को खो करके हमेशा किसी ना किसी पर अवलंबित रहना इन सब चीजों से अपने को बचाना। इसलिए कहते हैं कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम कर्म कर्म प्रधान होता है और यह जो कर्म है कर्म के माध्यम से ये कर्म अपने अंतकरण को शुद्ध करने का एक साधन है। तो कर्म के द्वारा जगत की प्राप्ति यह संसार और कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि यह साधन है। तो हम लोग तो संसारी है किसी साड़ी को पकड़ लिया तो ये संसारी सारी को छोड़ दिया भूख तो हो गई। इसलिए कर्माणि चित्त शुद्ध तो जब हम धर्म या कर्म की बात करते हैं तो उसके द्वारा अपने अंतकरण की शुद्धिकरण यह प्रयोजन होना चाहिए और अंतकरण की अशुद्धि क्या है अंतकरण की अशुद्धि है राग द्वेष के प्रभाव में आकर के अपने जीवन को जीना यह अंतकरण की अशुद्धि है क्योंकि राग द्वेष का कोई लॉजिक नहीं है रीजन नहीं है कोई चीज अच्छी लगती है नहीं लगती कोई कारण नहीं उसका और पूरा जीवन उसी में चला जाता है तो अपने राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए हम जब कर्म करते हैं तो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् तात्पर्य आपके जो कर्तव्य कर्म है वो आप करोगे तो आपका अंतकरण शुद्ध होगा। कर्तव्य कर्म में मुझे अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता ये किसने पूछा आप समझो जल्लाद हो जल्लाद माने जो किसी को मृत्यु दंड की शिक्षा होती है तो उसको लटकाने वाला जो सज्जन होता है उसको जल्लाद समझो आप वो और आप कहोगे मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता फिर हृदय इसीलिए कर्माणि चित्त शुद्ध फिर उपासना किस लिए करते हैं उपासना करते हैं क्योंकि हमारा जो मन है एक जगह में समर्पित नहीं है समर्पित न होने का कारण हमारे मन ने कोई एक श्रेष्ठ आधार
अभी पकड़ नहीं लिया है। हमारे मन के आधार क्या है? ये वस्तु ये वस्तु, यह काल वह काल, यह देश वह देश। तो यह जो देश काल वस्तु है, जहां मन पकड़ के शांत बैठना चाहता है, ये तीनों के तीनों नित्य परिवर्तनशील है। और इसीलिए हमारा मन कितने वस्तुओं में भटकता है, कितने व्यक्तियों में भटकता है, कितने काल में भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि जहां वो है वहां उसको शांति नहीं। किस घर के लोग होटल में जाकर के खाना खाना पसंद करते हैं? क्योंकि जिसके घर का खाना होटल से खाने से भी गया नहीं था। कौन चाहेगा इस दुनिया में भटकना यदि उसको अपने ही अंदर शांति प्राप्त हो गई तो? इसीलिए यह जो उपासना है, उपासना के द्वारा हम अपने मन को एक ऐसा आधार देते हैं कि जिस आधार से अब हमारे मन का आत्मविश्वास जागृत हो गया है। जब तक ये आत्मविश्वास जागृत नहीं होता, तब तक के अध्यात्म में प्रवेश नहीं। हमारी यही कल्पना है कि अध्यात्म हमारे छुई हुई होकर के भगवान के सामने रोते रहे। जो छुई हुई नैन अध्यात्म जो है, यह अध्यात्म नहीं है। उपनिषद कहते हैं नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। यह तत्व उन लोगों के लिए नहीं है कि वो एकदम क्रिपल है। यू रिक्वायर इनर स्ट्रेंथ। जब तक के अपने आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगे, तब तक के परमात्मा में विश्वास है यह केवल शब्द मात्र रहेगी, उसका अर्थ कुछ। फिर आ जाते हैं अध्यात्म में। अध्यात्म में जब हम आ जाते हैं, तब विषय होता है अपरोक्षानुभूति। हम किसी की बात नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण जो थे साक्षात परमात्मा के अवतार, उन्होंने 16108 से शादी करी, फिर भी प्रसन्न रहे। इससे क्या निकला? कुछ निकला इससे? तो भगवान के गुणगान गाना, साधु संतों के गुणगान गाना, क्या हम भगवान को और साधु संतों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं? जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं हे करुणा सागर, भगवान कहता मुझे ये भाषा नहीं आती। हम किस लिए कहते हैं? यदि भक्ति मैं कर रहा हूं तो उसका प्रभाव मुझ पर आएगा, भगवान पर नहीं होगा। देखो, जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो जिसको नमस्कार करते हैं उसको कुछ नहीं होता। जो नमस्कार कर रहा है उसके हृदय का निर्माण। इसीलिए अध्यात्म में प्रवेश करना माने अब हमने बहुत सुन लिया है। नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विल्लापनम इतर। उपनिषद कहती है अब बहुत पढ़ लिया है, बहुत सुन लिया है, आप चुप हो जाओ और फिर अपने अनुभूति का अब विश्लेषण करना शुरू। तब जाकर के हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। इसमें तीन चीजों का विश्लेषण करना है, चार चीजों का। एक तो अपने बारे में, हम जो मैं कहते हैं वह मैं कौन है? फिर ये जो दुनिया कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया किसको कहते हैं, दुनिया क्या है? उसके पश्चात भगवान जिसको कहते हैं, गॉड जिसको कहते हैं, वो कहां बैठा हुआ है? और चौथी बात, जिसको आध्यात्मिक साधना कहते हैं, वो आध्यात्मिक साधना माने क्या? कुरुते गंगा सागर गमनम ये, या अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुभुक समर्पित जानु ये है।
या अंगम गलितम पलितम मुंडनम दर्शन विहीनम ज्ञातम तुंडम, ये साधना है। तो साधना करना माने क्या? इन चार बातों का निर्णय जिस क्षेत्र में होता है उसको कहते हैं अध्यात्म। बाकी का सब ठीक है, के जीवन के लिए तो उसकी आवश्यकता है, लेकिन जिंदगी भर आदमी के जीवन में रहेगा क्या? अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हैं आजकल यार? नहीं मैं के जीवन में हूँ, पिछले 40 साल से हाँ वही हूँ। क्यों? आई लाइक दैट मिस। बच्चे कहते हैं, एक बच्चे को कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अब तुम केजी टू में गए हो। मैं नहीं जाना, तुमने जाना चाहता, मुझे यही मिस चाहिए। अरे तुम जो जा रहे हो मिस के लिए जा रहे हो। इसलिए कर्म उपासना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि एकाग्रता, उसके द्वारा हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। यह जो तत्व जिज्ञासा का प्राकृत्य हमारे हृदय में है इसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह। ईश्वरानुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासन महान भय परित्राणा विप्राणाम उपजाय। जो सबसे बड़ा भय है उस भय से अपने आप को बचाने के लिए एक ही मार्ग है अध्यात्म का और अद्वैत वासना। इस एक तत्व को हमको पहचानना है और इसीलिए हमने यह अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के पहले 7 प्रवचनों में कुछ सुना है, क्योंकि बीच में काफी पानी बह गया। तो क्या सुना है अब आप कल पढ़ के आना। हम आए थे जगत के स्थान पर 56वें श्लोक में और उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। पहले तो बताया कि ये दुनिया एक मिथ्या प्रत्यय है। अनुभूतो प्रियम लोको व्यवहार क्षमा अभिधन असद रूपो यथा स्वप्न उत्तर क्षण भारत। यह जो दुनिया है इसमें हमको अनुभव भी आता है दुनिया का और व्यवहार भी हो रहा है। ध्यान से सुनना, किसी वस्तु का अनुभव आना और उससे व्यवहार होना और वह उपयोगी होना ये सत्य का लक्षण नहीं है। जैसे है पहली बार अनुभव होना, सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव होता है ना, तो क्या सूर्योदय सूर्यास्त होता है? उसके बाद उसमें व्यवहार भी होता है क्या कि शाम के समय में सत्संग करना चाहिए और रात के समय सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यवहार भी हो रहा है। और यह उपयोगी भी है, जिन्होंने दिन और रात का योग्य प्रकार से उपयोग किया है उनको आध्यात्मिक साधक कहते हैं, और जिन्होंने उल्टा उपयोग किया है, रात को दिन बनाया दिन को रात बनाइए, उनको निशाचर कहते हैं। निशायाम चरति आसा निशाचर। इसलिए वही वस्तु का अनुभव आवे, वो उपयोगी होवे, उसमें व्यवहार की क्षमता हो, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो सत्य है। कारण उत्तर क्षण बाधता, जैसे वो समय खत्म हो गया तो एकदम गायब हो गया। इसीलिए स्वप्न में जागृत नहीं, जागृत में स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न में और समाधि में तीनों नहीं, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक है तो दूसरा नहीं। तो फिर इसमें सत्य क्या है? जागृत सत्य है, स्वप्न सुषुप्ति या समाधि, तो या तो चारों को सत्य को हो तो चार सत्य हो जाए और सत्य हमेशा एक हो। इसलिए यह संभव ही नहीं कि यह जगत सत्य हो। इस प्रकार से हमने पिछले बार देखा और फिर इसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, जैसे यद्वत् मृति घट भ्रांति शुद्धो वा रजत स्थितिम तद्वत् ब्रह्मणे जीवत्वं भ्रांत्या पश्यति न स्वतः। जिस प्रकार से हम देखते हैं मिट्टी कहते हैं घट,
देखते हैं सीप कहते हैं चांदी, उसी प्रकार से हम असल में है सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा, लेकिन हमने अपने आप को जीव मान लिया है, पापो हम पाप। ऐसे अनेक उदाहरण लेने के पश्चात फिर अब हमने तो जगत का त्याग कर दिया, अब जगत का त्याग करने के बाद कुछ बचेगा क्या, क्योंकि जगत तो मिथ्या है। अब यहां से आज का प्रसंग प्रारंभ होता है 64वें श्लोक के बाद। 64वें श्लोक में कहा था घट नामना यथा बुद्धि पट नामना ही तंतव जगत नामा यथा भागी नियम तत्व। जैसे पृथ्वी को ही हम कहते हैं कि हम पृथ्वी माने मिट्टी, मिट्टी को ही कहते हैं कि ये घट है, और उसी प्रकार से तंतु को ही कहते हैं कि यह पट है, उसी प्रकार से परमात्मा को ही हम कहते हैं यह जगत है। ध्यान से सुनो, जहां हमने किसी को गाली दी तो हमको क्या मिलेगा, सूद के साथ वापस। तो बीत रहे हैं पानी और पानी को गालियां दे रहे, पहली गाली दे दी ये समुद्र है, दूसरी गाली दे दी यह लहर है, तीसरी गाली दे दी समुद्र कारण है, चौथी गाली दे दी लहर कार्य है, ये किसको रहे पानी। इसी प्रकार से जिसको देख रहे हैं वो परमात्मा है, हम कहते हैं जगत है, जो देख रहा है वो परमात्मा है, वो कहता है मैं जीव हूं। एक ही परमात्मा को जीव जगत ईश्वर ये तीन गालियां दी है, और उसी के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते, क्योंकि गाली का जो प्रभाव है वो केवल दुख है। इसलिए श्लोक में कहते हैं सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनहि अज्ञानंद विजानाति हृदय वही घटकाभिगम। सर्वः अपि व्यवहारः ब्रह्मणा क्रियते जनहि, सभी का सभी व्यवहार परमात्मा में हो रहा है। इधर कभी ध्यान देना, अगले बार कहीं जाओगे भी एक्वेरियम होना होगा किसी के घर में या कहीं पब्लिक प्लेस में, तो जाकर के खड़े रहो और पानी को देखो और फिर उस पर चिंतन शुरू करो कि पानी का क्या अनुभव होगा उस समय। लेकिन जब हम एक्वेरियम देखते हैं तो पानी को छोड़कर के सब देखते हैं, और बिना पानी के किसी की स्थिति नहीं। उसी प्रकार यह जो चेतन सत्ता अकाट्य है, इसके सिवा कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मणा क्रियते सर्वहा व्यवहार अज्ञानान न विजानन्ति, लेकिन हम अज्ञान का तात्पर्य है अपूर्ण ज्ञान। ज्ञान की अपूर्णता तीन प्रकार से होती है, एक तो परिच्छिन्नता के रूप से स्वयं को स्वीकार करना कि मैं देह मात्र हूं, मैं इंद्रिय मात्र हूं इत्यादि। दूसरी है प्रत्यक्षता, ज्ञान की अपूर्णता, किसी भी वस्तु का अन्य के रूप में दर्शन होना उसको प्रत्यक्षता कहते हैं। दूसरा ज्ञान का स्वरूप अपूर्णता का स्वरूप, और तीसरा है वह परमात्मा जो हम स्वयं है उसको हमने दूर ढकेल दिया है परोक्षता। तो परिच्छिन्नता जीव भाव, प्रत्यक्षता जगत भाव, परोक्षता ईश्वर भाव, ये तीनों के कारण हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। जैसे मृदेव ही घटकाधिकम, जैसे हम किसी भी मिट्टी के बर्तन को हाथ लगाते हैं तो असल में मिट्टी को ही हाथ लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नाम रूप और उपयोगिता इस पर बसा हुआ है। जहां नाम रूप उपयोगिता ये हमारे दिमाग से निकल जाएगी, वहां ये दुनिया उसी क्षण गायब हो। इसलिए अज्ञान न जानते हृदय भी प्रकारिकम,
कार्य कारणता नित्यं नास्ति घटभूतो यथा तथैव युक्तिः श्रुति युक्ति भ्याम प्रपंच ब्रह्मणो यः। अब ऐसा समझ लो जैसे कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट मृदो हो यथा मिट्टी कारण है और घट कार्य है और ये हमेशा ऐसा ही रहा है नित्य है। तो ये नित्य क्यों हो गया? इसीलिए कि हमने ही मिट्टी को घट यह नाम दे दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि आकार का महत्व मन को यदि आप मन पर कार्य करना चाहते हो, वी वर्क बाय द माइंड, वर्क ऑन द माइंड, डोंट वर्क बाय द माइंड। यदि हम मन पर कार्य करना चाहते हैं तो दो का ट्राई करना, मन को रूप से हटा देना और मन को शब्द से अलग कर लेना, ये मन की खुराक है, नाम और रूप। जहां नाम और रूप दोनों तिरस्कृत होते हैं वहां मन डिसॉल्व होता है। पानी को बर्फ कहना ये पानी को गाली है, और पानी बर्फ को बनता है जब उसको रूप आता है और उस रूप को नाम दिया जाता है। असल में है तो पानी। इसी प्रकार से यह कार्य कारणता जो है मिट्टी और घट में नित्य है। इसी प्रकार से श्रुति युक्ति भ्याम शास्त्र का आधार और अपने शास्त्र सम्मत विचारों की प्रणाली के द्वारा हमको ये समझ में आएगा कि यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है, परमात्मा ही कारण है और वही परमात्मा विश्व के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे मिट्टी ही कारण है और वही मिट्टी घट के रूप में प्रकट हो रही है। अब देखो मिट्टी क्या है जिसमें नाम रूप नहीं है, घट क्या है जिसमें मिट्टी भी है और नाम रूप भी है। हम लोगों ने रुद्रशी विवेक पढ़ा तो उसमें बताया था अस्थि भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम् आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम् जगत रूपम् ततोद्वयम्। अस्थि भाति प्रिय यह जो सच्चिदानंद है यह परमात्मा का अंश है और नाम रूप जो है यह जगत है। इसीलिए यह संपूर्ण जो विश्व है जगत है यह यदि नाम रूप का महत्व निकाल डालो तो ब्रह्म मात्र है। इसीलिए गृह्यमाणे घटे यद्वद् मृत्तिका भाति वै पदान् वीक्षमाणे प्रपंचे भी ब्रह्मैव भाति वासुकम्। जैसे हमने मिट्टी के घट को उठाया तो हमने असल में मिट्टी को ही उठाया है, भले हम कहे घट को उठाया है लेकिन उठाया मिट्टी को ही है। इसी प्रकार से हम भले कहे कि हम दुनिया देख रहे हैं लेकिन असल में हम देख रहे हैं परमात्मा को ही। जो थ्री डायमेंशनल पिक्चर होते हैं बाहर से देखो तो केवल कोई डिजाइन जैसा लगता है, जैसे किसी के साड़ी का पल्लू, तो वहां देखो तो समझ में नहीं आता क्या है। और यदि आपने आपकी आंखें स्थिर कर ली और उसकी जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिट कर दी तो उस डिजाइन के पीछे जो छुपा हुआ है वो एकदम प्रकट हो जाता है। तो केवल फोकल लेंथ एडजस्ट करने का सवाल, अभी हमारा ध्यान नाम रूप में फंसा हुआ है। जहां हमारा ध्यान नाम रूप के परे चले जाएगा वहां हमको परमात्मा का दर्शन है। और इसीलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो और पहली बार क्या करते हैं आंखें बंद कर लेते हैं, रूप हटा। इस प्रकार से गृह्यमाणे घटे यद्वद् मृत्तिका भाति वै पदान् वीक्षमाणे प्रपंचो हि ब्रह्म एव आभाति मात्रम्।
असल में परमात्मा ही। कैसे परमात्मा बोलेंगे? परमात्मा क्या है? परमात्मा है सत्ता स्वरूप। कठोपनिषद में आता है अस्थि इति उपलब्धम विहार। तत्व की उपलब्धि भावात्मक होती है, अभावात्मक नहीं। अस्थि इति उपलब्धम विहार और तत्व भावेन प्रसिद्धति। यदि हमने तत्व को अस्तित्व रूप से स्वीकार किया तो क्या होगा? आप देखो, यह माइक जड़ लेकिन है, यह लाइट प्रकाशात्मक लेकिन है, आदमी जीवन युक्त लेकिन है, गधा आदमी नहीं है लेकिन है, जगत के किसी भी अनुभूति में सत्ता का होना आवश्यक, यहां तक के अभाव है। यह जो अखंड अकाट्य एकमात्र सत्ता है, जिसके लिए जड़चेतन का भेद कुछ मायना नहीं रखता, वह जो एक तत्व है, उसी एक तत्व में अनेकता प्रतीत हो रही है। अनेकता का कारण क्या है? औपाधिक। और कौन सी उपाधियां? नाम की अरूप। जहां नाम रूप की उपाधि का त्याग कर दिया, ब्रह्म का दर्शन हो गया। सदैव आत्मा शुद्धो की शुद्धो भाति वही सदा यथैव द्विविधा रज्जु ज्ञानिनो ज्ञानाप्निशम्। सदा एव विशुद्ध आत्मा, हम हमेशा शुद्ध पवित्र है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं। आत्मा में क्या गंदगी हो सकती है? गंदगी माने जो जहां नहीं होना चाहिए वो वहां होगा तो गंदगी है। जैसे हमने एक बार आपको उदाहरण लिया था, हम जब खाना खाते हैं तो कई बार जो खाना चावल होता है वो हमारे दाढ़ी के बालों में जाकर फंस जाता है। आपको देखने वाला बच्चा हो तो कहेगा, स्वामी जी की आपके दाढ़ी में जो है ना कचरा लगा है। धीरे से क्या दिखाओ, क्या है चावल? तो चावल कचरा है क्या? क्या हम कचरा खा रहे हैं? फिर उसको कचरा क्यों कहा? क्योंकि दाढ़ी में दाढ़ी की सेवा जो अन्य है वो कचरा है। और कचरे को हम क्या करते? निकाल डालते करते। एक बार एक दक्षिणी सज्जन हम थोड़ी खाना खाने के लिए और स्वामी जी मैं अभी जापान से आया हूँ, वहाँ एक मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस के लिए गया था और वहाँ मैं एक सिद्धांत सीख के आया हूँ और मैंने अपने पति को बताया लेकिन समझ भी नहीं आता था। तो समझ नहीं आता। सिद्धांत ये है, जिस वस्तु का हमने पिछले 6 महीने से कोई उपयोग नहीं किया वो अनावश्यक है, उसको घर से हटा। लेकिन इसने इतना कचरा घर में इकट्ठा करके रखा है कि खड़ा रहने को जरूरत है। पत्नी उनको कह देना पहले उन्हीं को घर के बाहर देखा कचरा वही। इसीलिए अशुद्धि क्या है? अशुद्धि है अनेकता। एक में अनेकता की जो प्रतीति है वो अशुद्ध। तो सदा एव विशुद्ध आत्मा, हम असल में शुद्ध है। जागृत आती है, जागृत पुरुष के सुख दुख की अनुभूतियों को प्रकाशक होता है, वो चली जाती है। दिन हम जोगे, सपना आता है, स्वप्न पुरुष के सुख दुख के अनुभव का प्रकाशन होता है, वो भी चले जाता है। वही कहानी सुषुप्ति की समाधि की। लेकिन हम जो अखंड एक सत्ता है वो जोगे क्यों? वो अपना असली स्वरूप। इसलिए सदा एव आत्मा शुद्धा अशुद्ध भाति वही सदा। लेकिन वह हमको अशुद्ध सा लगता है। कारण क्या है? बताते हैं, जिस प्रकार से यथा द्विविधा, ज्ञान दो प्रकार का होता है, ज्ञानी को एक अज्ञानी। अज्ञानी रस्सी को रस्सी नहीं जानने के कारण सांप समझ करके रोता है और ज्ञानी रस्सी को रस्सी समझ करके रोता नहीं,
आप देखो ज्ञानी अज्ञानी के क्या लक्षण हो गए। जो रोया नहीं वो क्या संसार है, और जो सोया नहीं वो क्या बाबा जी। बाबा जी हमेशा सोते हैं, तो संसारी हमेशा रोते। इसलिए विविधा ज्ञानम, जब हम रसी को रसी के रूप में जानते हैं तो वह एक प्रकार का ज्ञान हो गया, और रसी को जब हम सांप के रूप में जानते हैं वह दूसरे प्रकार का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से हमने यदि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लिया तो वह अपरोक्षानुभूति भिन्न प्रकार का ज्ञान है। तो यदि हमने अपने आप को देह मान लिया, पापी पुण्यात्मा स्त्री पुरुष इत्यादि मान लिया, वह भिन्न प्रकार का ज्ञान है। यथा एवं मृन्मयः कुम्भः तद्वत् देहोऽपि किन्मयः आत्मानात्मविभागोऽयं बुद्धिः क्रियते बुद्धिः। अभी तक जितना आपने विवेक किया उस विवेक के ऊपर पानी डाल। यथा एव मृन्मयः कुम्भः, जैसे घट जो है वो केवल मिट्टी मात्र है। अब घट से मिट्टी का अलगाव कैसे कर सकते हैं? घट से मिट्टी निकाल नहीं सकते, लेकिन जो समझने में माहिर हो। एक जगह हम भी सत्संग कर रहे थे तो एक सामने सज्जन उद्धव बैठे थे और बड़े एकाग्रता से सुन रहे थे, और हर जिसको हाँ बाकी लोगों परेशान मुझे मजा हो रहा। तो पर कितना पार्टिसिपेशन हो रहा था मुझे द्वारा। हमने कहा यदि घट में से मिट्टी निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? सांप मटका। हमने कहा ये मटका या तो आप थे या तो मैं। तो यथा एवं मृन्मय कुम्भः, जैसे घट केवल मिट्टी मात्र है, उसी प्रकार से देहा अपि चिन्मयः, देह भी साक्षात परमात्मा है। परेशानी क्या है? ये देह साक्षात परमात्मा है, वो देह सीए जा रहा है। समस्या यही से शुरू। एक बच्चा पास हुआ और आपने दूसरे पढ़ा, तो आपको क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ, किसी को तो पास होना ही है, किसी को फेल होना ही है। और वही बच्चा आपका हो और फेल हो गया तो पूरी दुनिया नहीं गिरी। माने बच्चा होना, बच्चे का पास फेल होना, इससे कोई दुनिया निर्माण नहीं होती। इसलिए आत्मा अनात्म विभाग बुधा एवं क्रियते उदय ही। जो अज्ञानी है वही चक्कर में पड़े रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, मैं देह नहीं हूँ, इसीलिए देह का त्याग करो, और इसीलिए मैं आदमी हूँ, मैं पति नहीं हूँ, इसीलिए पत्नी से डाइवोर्स करो। तो जरूरत नहीं है, देखो केवल समझदारी का मामला है, बाकी कुछ बुधा क्रियते अवदय ही। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत को, इस जगत के अनुभव करने वाले को, और जो इस देह के माध्यम से अनुभव कर रहा है, उस देह को सबका सब परमात्मा में स्वीकार करे। तो पहले जगत को इल्यूजन मिथ्या कहकर के त्याग दिया, अब इसी जगत को परमात्मा स्वरूप से स्वीकार किया। आप ध्यान से इन दोनों विचारों का तात्पर्य, यदि हमारा ध्यान नाम रूप की प्रधानता से जगत को देखता है तो वह जगत मिथ्या है, और यदि हमारा ध्यान नाम रूप के जगत को एक तत्व के रूप में पहचानता है तो वह ज्ञान सत्य है। जैसे हमने अपने आप को आदमी के रूप में पहचाना तो सत्य है, और हमने अपने आप को पति के रूप में पहचान करके दुखी होने लग गए तो मिथ्या है, क्योंकि जब पति ही मिथ्या है तो उसका सुख दुख कैसे सत्य होगा? पति नाम की कोई वस्तु है क्या?
जैसे टेबल पर पुस्तक है उसी इसी प्रकार से आदमी पर पति है नहीं, इसीलिए पति इज एन इल्यूजन एंड यू कैनॉट करेक्ट इल्यूजन। देखो जो हमको मृग तृष्णा दिखती है निराज वॉटर्स कैन यू इंप्रूव दैट, जरा वो जरा साफ कर दीजिए। इसी प्रकार से जितने भी रिलेशन है ना पति पत्नी भाई बहन इनके साथ ज्यादा सीरियस होकर के मत रहना, दो चीजों को ट्राई करो। बंधन केवल दो बोझे का है, एक बोझा है भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बंधन, दूसरा है भिन्न प्रकार के संग्रह का बंधन। जहां हमने संग्रह और संबंध इनको त्याग दिया है वही से आनंद प्राप्त। जैसे गहरी नींद में ना तो संबंध होता है ना तो संग्रह होता है, इसीलिए जितनी भी वेदांत की साधना है ना वो केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है, और जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से ही नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए परीक्ष लोकान, लोकान माने अनुभवान, अपने जो अनुभूतियां है तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, यह जो कर्म के क्षेत्र में जितने भी द्वैत के अनुभूतियां है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया, ऐसा जो चिंतन युक्त व्यक्ति है। ब्राह्मण का तात्पर्य क्रॉस बेल्ट पहनने वाला नहीं, चिंतन करने निर्वेद माया, फिर उसके हृदय में वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य का प्राकृत्य कैसे है मामू में, जैसे पेड़ पर फल जब पक जाता है तो जो अलग होना है उस अलग होने को क्रिया नहीं कहते, अलग होता है अलग किया नहीं जाता। लड़का लड़की का प्यार किया जाता है, इसी लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं, आई एम फॉलन इन लव। लेकिन माँ बेटे का जो प्यार है वो प्यार करते नहीं, वो प्यार होता है। इसीलिए यह एक ही तत्व है, इसको केवल आत्म रूप से पहचानना, और इसमें जो अनेकता है वह केवल औपाधिक है। हम इसी को सूक्ष्मता से चिंतन करते हो, आदमी एक है, उसी आदमी पर तीन उपाधियां डाल दी, पहली उपाधि डाल दी पिताजी की, अच्छा खासा आदमी पुत्र बन गया, फिर दूसरा बोझा चढ़ा दिया उस आदमी पर, उसके पत्नी का उसकी कमर टूट गई, पत्नी पति बन गया, तीसरा बोझा डाल दिया उसी आदमी पर, पुत्र का पिता बन गया और दुखी कौन हो रहा है, दुखी पुत्र है पति है पिता है, ये तीन वस्तु है क्या कहीं, तीनों में जो एक सामान्य तत्व है वही अपना स्वरूप। इसीलिए फिर क्या करे, सबको छोड़ दे, छोड़ना किसी को नहीं, छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि छोड़ोगे वो जो आपका होगा तब ना। इसीलिए यह जगत को जब नाम रूप की उपाधि से हम देखते हैं तो वह मिथ्या है, और इसी नाम रूप के विविधता में जो एक तत्व है उसको जब हम पहचानते हैं तो वो सत्य। अब आगे कहते हैं कि शुरू कहां से करें, शुरू करना है जहां हम गिरे हैं वहां से। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप जो शारदा हल्दी में लेक्चर देते हो वो कहाँ है, वहां कैसे आना है। तो मैंने पूछा आप कहाँ हो, बोले आपको इससे क्या बता। ठीक है, पहले ऐसे करो फ्लाइट लेकर के कोचिंग चले जाओ, फिर कोचिंग से दूसरी फ्लाइट लेकर के श्रीनगर चले जाओ, और फिर वहां से दिल्ली चले, दिल्ली आने के बाद कांग्रेस इंप्रूव कर, और किसी टैक्सी में बैठ करके
पूछ लेना कि ज्यादा दलित कहाँ है, क्योंकि मैं तो बांद्रा ही इसमें रहता हूँ। अरे राम, पहले ही बता दे तो ये मुझे कहना पड़ता था। तो हम कहाँ है? हम है देहात्म भाव। तो साधना कहां से शुरू होगी? देहात्म भाव के निराकरण से। दो बातें स्पष्ट समझ लेना, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण। ये दो बातें यदि हुई तो हम आध्यात्म के मार्ग पर। तो अपने मैं देह हूं इस भाव का निराकरण करना है। सर्पत्वेन यथा रज्जु रजत्वेन चित्रिका विभिन्नता विमूढ़ेन देहत्वेन तदात्मना। अब ये जो है विभिन्नता विमूढ़ेन देहत्वेन तदात्मना, ये तकिया कलाम है। एक के बाद यही बात बताएंगे कि हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा कितनी जबरदस्त है। सर्पत्वेन यथा रज्जु, जैसे रस्सी को सांप के रूप में ग्रहण किया जाता है, रजत्वेन रजतत्वेन सूतिका, जैसे सीप को चांदी के रूप में ग्रहण किया जाता है, घटत्वेन यथा बुद्धि, जैसे मिट्टी को घट के रूप में ग्रहण किया जाता है, पटत्वेन एव तन्तवः, जैसे तंतु को हम कपड़े के रूप में ग्रहण करते हैं, कनकम कुंडलत्वेन, हम ग्रहण कर रहे हैं स्वर्ण को लेकिन कहते हैं कि ये इयररिंग है, और तरंगत्वेन वै जलम, देख रहे हैं जल को लेकिन कहते हैं तरंग है, ज्योतत्वेन यथा स्थान हूं, कहते हैं देखते हैं एक खंभे को लेकिन सोचते हैं कि वहां जोर है, जलत्वेन मरीचिका, और देख रहे हैं हम मृग जल मृग कृष्णा लेकिन कहते हैं कि वह पानी है, देखते हैं लकड़ी को कहते हैं कि हमारा घर है, और देखते हैं लोहा कहते हैं तलवार है, यथा वृक्ष पर्यागो जला भवति कस्यचित्, जैसे पानी में पृथ्वी जो वृक्ष है वो शीर्षासन करता हुआ देखता है, तद्वत् इसी प्रकार से देहत्व पश्यति अज्ञान योग। इस अज्ञान के कारण, इस अज्ञान का अर्थ 25 बार आपको बताया, फिर से बता रहे, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान की अपूर्णता। ज्ञान की पूर्णता यदि आवे तो संसार निर्माण नहीं होता। इसीलिए हमने अज्ञान से ही अपने आप को एक देह मान के रखा है। अब देखो ध्यान से सुनना, गहरी नींद में हमारा सबका अनुभव एक होता है, और जैसे जागृत और स्वप्न हमारे लिए भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे सुषुप्ति अवस्था हमारे लिए भिन्न भिन्न नहीं होती। संपूर्ण विश्व की सुषुप्ति अवस्था एक होती है, अलग अलग नहीं होती। जैसे संपूर्ण विश्व में जितनी भी लहरें हैं उनका सबका मूल समुद्र एक है, भले हम नाम भिन्न दे दें, समुद्र एक है, उसी एक समुद्र में से भिन्न भिन्न लहरें आती है। इसी प्रकार से यह जो सुषुप्ति अवस्था है उसी में से यह स्वप्न और जागृत, स्वप्न आता है मन के विकारों के साथ तादात्म्य होकर के, और सुषुप्ति जागृत आता है जो विषयों का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा का। तो एक ही तत्व अनेक रूप से प्रकट हो रहा है उपाधि के तत्वत आत्मने देहत्व। हमने अपने इस अपूर्ण ज्ञान के कारण सोच लिया है कि देह मैं हूं, क्योंकि देह के सिवा कुछ हो नहीं सकता। देखो आप देखेंगे ये जो योगा इत्यादि करने वाले हैं ना, उनका पहला सिद्धांत होता है कि अनुधर्म साधनम, जो देह है अपना स्थूल देह यही धर्म का साधन है, और इसीलिए इस देह का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा जीवन केवल
जिगर की पितर में ही चला जाता है। अब ये कल्पना करो, ठीक है आपका देह ठीक है इसलिए व्हाट नेक्स्ट। अभी हम रहे एक जगह पे, तो वहां उनका उस मकान बहुत ही सुंदर, समुद्र के किनारे ही है, तो समुद्र का पानी है उनके पीछे बैकयार्ड में आ जाता है जब भर्ती होती है। हम हमेशा वहां जाते हैं, पिछले 25 साल से वो तो वहां रहे और वो घर को सजाया सब कुछ किया। अब वहां उनका पूरा जीवन बीता, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने पढ़ाई करी, बच्चों की शादियां हो गई, चले गए। अब ये बूढ़ा हो तो अब उनका वहां मन नहीं लगता क्योंकि बच्चे चले गए। उन्होंने कहा इतना बढ़िया मकान क्यों जाते हो? इतने स्वामी जी मकान तो अच्छा 25 साल से देख रहे, अब यहाँ मन नहीं लगता। अब हम जाना चाहते हैं अपने लड़के के पास और वो उनकी डांट खाएंगे। जगत कितना भी अच्छा हो, आपका देह कितना भी स्वास्थ्य युक्त हो, व्हाट नेक्स्ट? देखो जैसे मुझे एक बढ़िया कार मिलती है, ऑडी, ऑडी माने जो आवड़ती हूँ, ऑडी आवड़ती हूँ, ऑडी खरीदती है, अच्छा मिल गई आपको, व्हाट नेक्स्ट? कार की पूजा करोगे? इसीलिए केवल देह स्वस्थ हो ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मन स्वस्थ हो ये भी जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये उपकरण है। स्वस्थ देह स्वस्थ मन, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है अपने स्वरूप में स्थित। इसीलिए यथा वृक्ष विपर्यासा जलात् भवति कस्यचित् तद्वत् आत्मनिधेयत्व पश्यति अज्ञानयोगः। इसे उल्टी समझ है, ये उदाहरण दिया है ना 75वें श्लोक में, वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, इसी प्रकार से हमारा ज्ञान उल्टा है। आप ध्यान से सुनना कैसे उल्टा है। हम चले जाते हैं किसी दोहरे के पास और उसे भाई ये सब ठीक तो है ना, इस गहने में सोना है ना, क्योंकि मिट्टी है, तो असल में क्या है, गहने में सोना होता है कि सोने में गहने होते, सत्य क्या है? सोने में ही गहने अध्यारोपित किए गए, गहने में सोना नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम समुद्र में जाते हैं तो वहां पूछते हैं भाई यहाँ समुद्र में पानी कितना गहरा है? अब समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? हम पिछले बार वाराणसी गए थे, गंगाजी में जा रहे थे, हमारे साथ कोई कमंडल होगा, पूछा स्वामी जी यहाँ गंगा जी में कितना गहरा पानी है? हमने कहा अवेदांत की गही का, स्वामी ने कहा कि ये वेदांत की गाली है, तो नदी में पानी नहीं होता, पानी में नदी होती है। इसी प्रकार हम देह में नहीं है, देह हम में है, देह नहीं रहेगा तो भी हम बने रहते, जब ये देह नहीं था पिछले जन्म के पाप पुण्य किए था तब भी हम थे, तो ये देह नष्ट होने के पश्चात अगले जन्म में इस जन्म का हिसाब चुकाने के लिए फिर देह धारण करेंगे, फिर भी हम है, तो देह में हम नहीं है, हम में देह है, इसी को कहते हैं विपर्यास, दी कॉन्ट्ररी अंडरस्टैंड। पर जहां ये गड़बड़ी खत्म हो गई एकदम शांति शांति शांति। इस प्रकार से देह का होना संभव है प्राणों के कारण, यदि प्राण निकल गए तो देह नहीं रह सकता, तो प्राण हो गया आधार और देह हो गया आधे, तो आधार कहते हैं बर्तन को और आधे कहते हैं बर्तन में रखे हुए वस्तु,
तो प्राणमय कोष हो गया यह कंटेनर और उसमें देह हो गया कंटेनर। फिर ये जो मनोमय कोष है ये हो गया कंटेनर, उसमें प्राण और देह हो गए कंटेनर। फिर विज्ञानमय कोष मय ये हो गया कंटेनर, उसमें मन प्राण और देह तीन हो गए। इसीलिए मेरा मन दुखी है, तुझे भूख लगी है, मैं मोटा हो रहा हूँ, तीनों के तीनों मैं में है। यदि मैं ही नहीं जैसे गहरी नींद में तीनों का है, ना सुख दुख है, ना भूख प्यास है, ना जवानी बुढ़ापा, ये सबके सब किस में है, इस विज्ञानमय कोष में। पर विज्ञान कोष कहाँ है? आनंदमय कोष में। गहरी नींद में मैं भी नहीं रहता लेकिन आनंदमय कोष बना रहता, तो असल में क्या हो गया? हम देह में नहीं है, देहा यह जो विपर्य है इसको जब तक के हम नहीं ठीक करेंगे तब तक के यही संसार चलता रहेगा। अभी देखो हम लोगों की अनुभूति क्या है, मैं देह के अंदर हूं और आप देह के बाहर। फिर इसके कारण राग द्वेष काम क्रोध धक्का मतवारों दूर रहो। और ट्रेन में जब गर्मी के दिन है और धक्के खा करके ट्रेन चली जा रही है और धीरे धीरे नींद आ जाती है सबको लल्लाबी के कारण, और उसके पश्चात किसकी टांग किसकी गोद में फूल क्योंकि वहां देहात्म भाव समाप्त। भाव माने मैं देह में हूं, ये जब मैं देह में हूं ये भाव खत्म हो गया तो अपने आप ही दुनिया गायब हो गया। तो तद्वत आत्मनिदेहत्व पश्यति अज्ञान योगता, ये अज्ञान के कारण ही हमने अपने आप को देह मान लिया है। जो हमने आपको बताया है अनेक प्रकार से उसका निचोड़ हमने आपको कई बार बताया है, मैं देह हूं ये किसी भी प्रकार से विचार करने से सिद्ध नहीं हो सकता। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रदिशः। यह जो विश्व है जगत है इसको एक वृक्ष की उपमा दी है, दुर्गम मूल मद शाकम अश्वत्थम प्रावरभयम छंदांसी यस्य प्रणाली यस्तम मेर सवेद। फिर कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, ये जो दुनिया का हमने वर्णन किया है ये वर्णन वाली दुनिया आपको कभी नहीं मिलेगी। कब? जब यह विचार काले जहां आपने इस जगत के बारे में चिंतन कर लिया शुरू कर लिया तब पता चलेगा यह जगत जगत नहीं है, यह जगत परमात्मा मात्र है। जहां जगत को आपने परमात्मा के रूप में ग्रहण किया वहां जगत के प्रति भोग बुद्धि समाप्त हो जाएगी। जहां भोग समाप्त हो गया वहां परमात्मा प्रकट हो गया। इसलिए ओतेन गच्छता पुंसः सर्वो भागीव चिंतनम तद्वत् आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। उपाधि के कारण हमको भिन्न भिन्न अनुभूति आती है। एक उदाहरण हमारे पंचदशी में आया है, एक सज्जन ने को बताया कि देखो भाई सुना है तुम्हारे लड़के का भयानक एक्सीडेंट हो गया, हमने कहा और जैसे किसी ने कहा ये सज्जन बड़े दुखी हो गए क्या होगा, तुरंत उन्होंने फोन उठाया लगाया अपने लड़के को और उधर से लड़के ने उठाया कितनी बार बताया यहाँ नाइट होगी इस समय फोन मत किया करो, दुखी हुआ था। कौन दुखी हुआ था? आदमी नहीं दुखी हुआ था, ये पति, किसके कारण? जो घटना नहीं हुई उसके कारण। जहां आपने उस उपाधि को स्वीकार कर लिया कि मैं अमुक का पिता हूं तो उसी प्रकार के उसके सभी सुख दुख आप पर चढ़ गए। तो ओतेन गच्छता पुंसः सर्वं भातिव चंचलम, इसका तात्पर्य ऐसे है कि समझो आप नाव में बैठ करके जा रहे हो तो नाव तो शांत चल रही है लेकिन
आपका अनुभव ये होगा कि जो अगल बगल के वृक्ष है जमीन पर वो चल रहे हैं, माने जो नाव की गति है वो इन स्थिर वृक्षों पर अध्यारोपित हो गई। इसको आप अपने कार के उदाहरण से देख लो, कार में बैठ करके जब आप जा रहे हो वो रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ने लगता है, लेकिन ये कब तक के? जब तक के आप कार में बैठ रहे हो और कार दौड़ रही है तभी तक। अब इसकी दूसरी स्टेप, दूसरा एक्सपेरिमेंट किसी भी का दूसरा भाग, फिर उस चलती कार से कूद पड़ो और फिर देखो रास्ता कहाँ दौड़ रहा है। जहां आपने उपाधि से अपने आप को अलग किया तो जो आपकी अनुभूतियां थी वो अनुभूतियां गायब हो गई। इसको लगाओ अपने, हम जो सुखी दुखी होते हैं पति पत्नी भाई बहन होते हैं, अब उसको अलग हो जाओ। कैसे अलग हो जाओ? पति मैं दुखी हूँ, अब इस पर चिंतन करो क्या पति नाम की कोई वस्तु आज तक सुखी हुई है, चाहे राम रहे कृष्ण रहे, तो मैं कौन किस पीढ़ की मिली हूँ? माने सभी दुखी, वहां सभी दुखी होते तो ठीक, माने अपने दुख का दुख रही है दूसरे भी दुखी है उसका सुनिए। केवल चिंतन करने की आवश्यकता है, सब कुछ गायब हो जाए। सो तत्व आत्मनिर्भर पश्यति अज्ञानयोगः, भी तत्व ही यथा सूत्रे दोषा भवति कस्य चित्, तत्व आत्मनिर्भर पश्यति अज्ञानयोगः। किसी को यदि पीलिया हो गया हो, पीलिया का मतलब जॉन्डिस, तो उसमें कहते हैं कि किसी को जॉन्डिस हो गया हो तो उसको हर चीज पीली नजर आती है, तो ये पीलापन कहाँ है? ना तो लोगों में है ना तो उसकी दृष्टि में है, वो केवल जिसमें से देखता है उस आंख के गोलक में गड़बड़ी आ गई है। इसी प्रकार से यह जो हमारी दोष दृष्टि है उस दोष के कारण ही हमने अपने आप को देह मान लिया है। जैसे जैसे देहात्मा भाव की निवृत्ति, ये जीवन का पहला लक्ष्य है। अब कैसे इसको बंद करें? तो पहली बात सीरियस होना छोड़ो, दूसरी बात ये कुछ करना नहीं है, इट इज ऑल अनडूइंग। ऐसे फिर खेलना शुरू करो। कैसे खेलते हैं? समझो मैं ये माइक नहीं हूं, तो इस माइक को कुछ भी हो रहा तो मुझे कुछ होगा क्या? इसी प्रकार से ये देह यदि मैं नहीं हूं तो ये जो जागृत अवस्था की जो सुख दुख है, अपना पराया संबंध संग्रह, इससे मेरा कोई संबंध है क्या? कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा करें? जैसे एक एक्टर स्टेज पर केवल एक्टिंग करता है, उसी प्रकार से ये जगत में एक्टिंग करके रहना शुरू। सीरियस छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, चाइना ने आकर के हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, कहा कर दिया, कहा कर दिया था, मेरा तो दिल्ली में ठीक चलता है, कैंसर हो गया, कहा हो गया है, कमर में हो गया ना, दिमाग को ठीक है ही नहीं, ये सब बातें सीखने जैसे नारायण चक्षुर्भ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकं तद्वत् आत्मनिर्भरत्वं पश्यति अज्ञानयोगः। जैसे वो घूमते रहो थोड़ी देर तक के लिए, आंखों को उल्टा सीधा घुमाते रहो, ये ऐसे लगता है सब कुछ घूम रहा है, लेकिन वो केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन। हमको कल परसों किसी ने की ऑप्टिकल इल्यूजन, बहुत सारे उसमें एक है काफी चक्र है जिसमें बिंदा रंग के, और आप उसको देखो तो बिना आपके कुछ किए ऐसे रहता सबके सब चक्र घूम रहे, कुछ नहीं घूम रहा,
दिखता है सब कुछ घूम रहा है। और फिर बताया यदि आप किसी भी चक्र के सेंटर में आपके दृष्टि को स्थिर करो तो वो चक्र घूमना बंद हो जाएगा, बाकी की घूमने शुरू हो जाएगा। जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है उसको कहते हैं इल्यूजन। जिस अनुभूति के लिए अनेक कंडीशंस की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं इल्यूजन। जैसे रज्जु में सर्प का देखना इल्यूजन है क्योंकि वो प्रतीत हो रहा है लेकिन नहीं है। तो चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वम भाति भ्रमात्मकम् अलातम भ्रमणे नैव वर्तुलम भाति शून्यवत् तद्वत् आत्मदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगः। अब ये देह को हम मैं इसलिए कर कहते हैं एक और दृष्टिकोण। अलातम भ्रमणे नैव वर्तुलम भाति शून्यवत्। अलात माने एक समझो अपने दिवाली के समय में फुलझड़ी देते हैं, तो फुलझड़ी का जो जलता हुआ टोप है उसको अलात कहते हैं। उसको अंधकार में घुमाओ जल्दी जल्दी तो वहां एक वर्तुलाकार सूर्य के जैसा प्रतिबिंब दिखने लग जाता है, लेकिन वो होता नहीं, दिखता है लेकिन होता। इसी प्रकार से जो अखंडता दिख रही है उस अलात चक्र में वो न होते हुए भी दिख रही है। अब इसको अपने में लगाओ। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तृणमीयति। जो बालक का देह था शिशु देह था वो चला गया, फिर कुमार का देह आया वो चला गया, फिर मिडिल एज का देह आया वो चला गया। फिर क्या हमको ये अनुभव होता है कि मैं भिन्न देह में हूँ, ऐसे लगता है कि वही देह है? ये देह वही नहीं है। ये जो देह में अखंडता प्रतीत हो रही है यह भ्रांति है। लेकिन हमने केवल अज्ञान योग्यता, क्योंकि इसी में मरे कहीं भेद में दूसरा देह कैसे हो सकता है? फिर ये बताओ वो बालक देह कहाँ चला गया, और फिर वो जवानी का देह कहाँ चला गया? ये बात जो समझ में नहीं आती ना, तो एक केस होती है। एक सज्जन अमेरिका आए अपनी लड़की के पास, दुनिया भर की सब उन्होंने टेस्ट करवा दिया और फिर भी वो दुखी। उनके लड़की ने बोला देखो हमें भी ये समस्या है, हमने सब टेस्ट करवाई लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमारे पिताजी कहते हैं नहीं, तुम्हारे डॉक्टर को कुछ आता नहीं, मेरी स्मृति खत्म हो गई है, मुझे याद नहीं रहता, कुछ तो भी गड़बड़ी है, कुछ दवाई करो। हमने कहा मुझे खाने को बुलाओ, मैं ठीक कर तो खाने के लिए गए। फिर हमने उनको पूछा बाबा जी ये बताओ जब आप जवान थे तब आप कितने लड्डू खाते थे? स्वामी जी आपने मेरे चॉइस के विषय कहा, जब मैं जवान था ना तो बूंदी के लड्डू 20-22 को यूज दबा रहा था। बहुत बढ़िया पहलवान देखे, पहलवान तो नहीं था लेकिन पेटू। अच्छा आप कितने लड्डू खा सकते हो? तो बोले आपको कहा एक भी लड्डू बड़े मुश्किल से। पहले जब आप जवान थे तो कितना वजन उठाते थे? 20 किलो का आराम से उठा लेते थे। आप कितने उठा सकते? 20 ग्राम। तो पहली आपकी जो शक्ति थी वहां आज नहीं है। जैसे इंद्रिय देह की शक्ति थी एक उपाधि है, इसी प्रकार से स्मृति यह एक इंद्रिय है। और जैसे आंखों की शक्ति खत्म हो गई तो चश्मा लग गया, देखो पचाने की शक्ति खत्म हो गई तो हजमोला लग गया, उसी प्रकार से स्मृति यह इंद्रिय है और इसीलिए इसकी शक्ति खत्म हो रही है। और इसको लेकर दुखी मत होना, क्योंकि भूल जाना ये भगवान की सबसे बड़ी देन है मनुष्य मात्र, बहुत बड़ी देन। जो आदमी भूल नहीं सकता वो सो भी नहीं सकता, नाक लगता रहेगा भूल जाओ हम भी भूल। इतना ट्राई करो बस भूल जाओ, भूल जाओ। जितना आप भूल जाओगे ना उतने मस्त रहो,
हम अभी जो पूरे इंडिया में वर्ल्ड में घूमते हैं, हम सबके नाम हमको मालूम नहीं क्या है, पर हमको इंटरेस्ट भी नहीं किसके नाम से क्या लेना देना। तो फिर हम अपने अज्ञान को कैसे छुपा रहे हैं, तो हमारी एक टेक्निक है, हमें बोलनी नहीं चाहिए, बोल रहे हम भूल गए कि हम बोलना नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं आइए महात्मा जी कैसे हो, नहीं नहीं महाराज आप हमको कहा महात्मा कहते हो, हम कहा महात्मा है, असल में महात्मा उनका नाम भूल गए, वो भी खुश और हमारी बंदी को भी सवाल आता। इसीलिए भूल जाओ, अच्छा ये सबके साथ होता है ना, मेरे भी साथ होता है, कैसे? मैंने कहा एक आदमी आपके जैसा डॉक्टर के पास गया, साहब मैं दो चीज बहुत भूलता हूँ, क्या बताओ कौन सी? क्या भूल गए? उसमें जो आनंद है और किसी में टारगेट है। सो अदातम भ्रमणीय नैव वर्तुलम भाति सूर्यवत्, यह जो देह है यह निरंतर बदल रहा है, उसमें कहां फंसे रहे? लेकिन वही चीज पता नहीं आजकल घुटने में दर्द क्यों हो रहा है। हमारा सिद्धांत आपने बहुत पहले सुना होगा, दो चीजें अपने डिक्शनरी से निकालना, क्यों और कैसे? निकालना आपको एकदम शांति प्राप्त। जैसे एक पिताजी ने बच्चे को कहा तुम ट्राई करो पास हो जाओगे, डैड इज इम्पॉसिबल। डैड ने कहा यू नो नेपोलियन इज टू से कि नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। उसका कहता है गलत डिक्शनरी खरीदी हो, आप सवाल ये कैसा कराए, ये अनाज चक्र को कैसे रोक दे? ध्यान से सुनना, एक ही काम करना है, केवल आज के तारीख में जी, माने ये जो गति है उस उलझड़ी की गति को रोक दो। अलग चक्र का हम जो भी कुछ होते हैं या बनते हैं वो केवल भूत का बोझा ढोने वाले गधे। इसीलिए पत्नियां पति को कहते हैं ए जी सी वॉट, बोझा तो ढो रहे बेचारे क्या कर रहे। भूत काल को दफना दो, अब चिंता भविष्य की हमको कुछ नहीं दे सकती। ध्यान से सुनना, इस अलाज चक्र को हम शांत कर रहे हैं तो जहां हमको मन को भूत भविष्य में जाना बंद कराना है तो क्या करें? अब अंतिम चीज बता रहे आप, हम अपने आप से भी बोलते हैं और अन्य लोगों से भी बोलते हैं। हम अपने आप से जब बोलते हैं तो भविष्य की चिंता होती है, जब हम अन्य से बोलते हैं तो अपने भूत के गुर्दे उखाड़ते हैं। तो क्या साधना हो गई? अपने आप से बोलना दूसरी बात, किसी से भी बात करने के पहले एक बात पूछ अपने आप को, बोलना आवश्यक है। आपका मन एकदम वर्तमान में आ जाए, मन केवल वर्तमान में जिंदा नहीं रह सकता।
लहर जब तक कि पानी में गति है तभी तक लहर है, और वही लहरा लहरों का पानी एकदम बर्फ बन गया ठंडक के कारण, गति रुक गई। फ्रीज योरसेल्फ इन द अटर प्रेजेंट। चक्र का ना तो हम देह है न प्राण है, न तो हम देहो इंद्रियाणी न प्राणो न मनो नहीं, विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वात् च घटोयथा। ऐसे घट दृश्य पदार्थ है, विकारी है, विनाशी है, उसी प्रकार से हमारी सब उपाधियां यही वैसी ही है। ये हम नहीं है, महत्वे सर्व वस्तूनां अणुत्वं हि मूलतः सर्वधात्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञानयोगः। बहुत बड़ी वस्तु हो जैसे सूर्य चंद्रमा जब दूर होते हैं तो बड़े छोटे दिखते हैं, तो केवल यह ऑप्टिकल इल्यूजन मात्र है। इसी प्रकार से हम परमात्मा स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को एक रूप आदि मान लिया है,